अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ अक्सा मलिक। आज हम CA125 हार्मोन टेस्ट लगाना सीखेंगे। सबसे पहले हम पेशेंट की आर्म से ब्लड जेल वायल में ले लेंगे और फिर इसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे। हम सीरम कप लेंगे, फिर इस सीरम कप को हम लेबल कर देंगे। लेबल करेंगे हम पेशेंट आईडी के साथ और CA125 मतलब टेस्ट के साथ। अगर हमने CA125 के अलावा कोई टेस्ट लगाएंगे तो हम वो भी इस पे लेबल कर सकते हैं। ब्लड सेंट्रीफ्यूज हो गया है। आईडी चेक की हमने और सीरम क्लियर है। हमने एक पाइपेट लेनी है, उसे 400 माइक्रोलीटर पर सेट करना है और सेट करने के बाद हम 400 माइक्रोलीटर सीरम कप में डाल देंगे। अब इस सीरम से हम और टेस्ट भी लगा सकते हैं, CA125 के अलावा और टेस्ट भी लगा सकते हैं इस ही पेशेंट के। ये मिनरल मशीन है, इसकी पोजीशन 1 पे मैं ये सीरम रखूंगी। हम प्रोग्राम में जाएंगे, पेशेंट आईडी देंगे। हम यहाँ पे एक टाइम पे एक से ज़्यादा टेस्ट भी लगा सकते हैं, चाहे वो डिफरेंट पेशेंट के ही क्यों ना हो। पोजीशन देंगे, टेस्ट सेलेक्ट करेंगे और सेव का बटन दबा देंगे। फिर हम रिज़ल्ट में जाएंगे और चेक करेंगे कि टेस्ट सेव हो चुका है। फिर हम अनचेक करेंगे और प्ले बटन दबा देंगे। टेस्ट रन हो चुका है। ठीक 30 सेकंड बाद हमें टाइम काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। 24 मिनट्स में CA125 टेस्ट का रिज़ल्ट आ जाएगा।